जागरूकता को लेके जैसे हमने अभी बात की थी कि जैसे ही हम लोगों को मौका मिलेगा, हमारी सर्विसेज शुरू हो जाती हैं आईपीडी, तब तो हम लोग वहाँ आईपीडी सर्विसेज भी देंगे और ओपीडी सर्विसेज भी देंगे, और साथ ही साथ कोविड से रिलेटेड जागरूकता हम पैदा करने के लिए हमने जैसे बोला स्कूल टीचर्स, लोकल लीडर्स की हम छोटी छोटी वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स कराएंगे, जिससे उनको जानकारी देने के बाद अगर वो समाज में जाएंगे, वो अपने लोगों को जानकारी देंगे, तो हमारे गांव के गांव और लोग जो हैं समाज के सारे लोगों में जागरूकता बराबर से फैल जाएगी इसके बारे में। तो जिसमें जो बेसिक ड्रग्स होते थे, सारे तो नहीं, 3 रुपए का कार्ड बनता था और इसमें बेसिक ड्रग्स जैसे आपके वो जितना हम सेवा दे सकते हैं हमारी तरफ से बिल्कुल रहेगा। बल्कि हम एक और भी काम करना चाहते हैं, जितने एनजीओ में वर्क कर रहे हैं हम उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि एक नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर जो होता है, जो खासकर बहुत दूर दूर, तो हम ऐसे ऐसे क्षेत्रों में भी गए, लेकिन आपको बताएं जब आप इन जगहों पे जाके सर्विसेज देते हैं तो सेटिस्फेक्शन आपको इतना मिलता है और लोगों का प्यार इतना मिलता है कि आप सारा जो हाथ पैर दर्द होना ये सब सब शिकायतें दूर। हमारी जो प्राथमिकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक तो हमारे जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों को अच्छे से अच्छा और बेहतरीन डॉक्टर बनाना, दूसरा समाज की सेवा करना, हॉस्पिटल सर्विसेज हमारी हैं, गांव-गांव में जाके आपकी सर्विसेज देना, वो हमारा एक ध्येय रहेगा। टर्शियरी केयर, हॉस्पिटल में बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देना, और साथ ही साथ शोध कार्य के बारे में आपको मैंने चर्चा की थी, और साथ ही साथ ट्रेनिंग्स और समाज में जागरूकता पैदा करना, समाज के सभी तबके के लोगों को अपने एम्स की टीम के साथ जोड़ना, जितने भी लोकल लीडर्स हैं, पंचायत हैं, स्कूल टीचर्स हैं, उन सबको जोड़ के सबके सहभागिता से अपने गोरखपुर को आगे से आगे बढ़ाना। हम पूरे समाज में कार्य करना चाहते हैं हर तबके के लोगों के साथ, जागरूकता और सेहत और बाकी सामाजिक जो इवन बुराइयां हैं उनको भी हम इशू को लेना चाहेंगे, ताकि हम समाज में जागरूकता पैदा कर सकें। ये कोविड-19 को लेकर के क्या नहीं मिली उनके लिए आपको क्या प्राथमिकता होगी? लॉकडाउन में देखिए ऐसा है, जिस समय लॉकडाउन है हम लोग ओपीडी की सुविधाएं नहीं प्रारंभ कर सकते। उसमें रीजन ये है कि जहां भी आपने ओपीडी सुविधाएं, हम लोगों ने टेली मेडिसिन की ओपीडी शुरू की हुई है, जिसमें क्या है आपकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है। अगर मैंने रूटीन ओपीडी शुरू कर दी तो फिर वही भीड़ भड़ाका वाली बात हो जाएगी और लोगों में इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन ज्यादा होगी। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो टेली मेडिसिन की सर्विसेज हम लोगों ने शुरू की हुई है, और कोरोना से संबंधित किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस होते हैं या कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं या कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं पेशेंट्स, वो हम टेली मेडिसिन के द्वारा उनको दे देते हैं। ओपीडी कब तक शुरू होगी? हम लोगों का ये मानना है कि शायद इस महीने के एंड में, जैसे ही आपका अनलॉकडाउन पूरा खत्म हो जाएगा और हमारे बाकी एम्स में जैसे ही ओपीडी शुरू होती है, हम लोग यहाँ पे भी शुरू कर देंगे। जिन मरीजों का इलाज चल रहा है ऑनलाइन के लिए टेली मेडिसिन हमारी खुली हुई है, वो सारी सर्विसेज रोटेशन में होती हैं। तो कोविड और कोरोना से रिलेटेड भी है और साथ साथ नॉन कोरोना से भी रिलेटेड, तो वो सारी बीमारियों की जो है वो जानकारी या आपको कंसल्टेशन वो उसमें आपको प्राप्त हो जाएगी टेली मेडिसिन में। सबसे बड़ी बात सेवा, देखिये जैसे ही हमारा हॉस्पिटल पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाता है, सारी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी, तब हम आगे इमरजेंसी और ट्रॉमा की सेवा शुरू करने में मतलब सक्षम हो पाएंगे। देखिए अभी जो है कमियां, अगर आप कमियों की बात करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही थोड़ा सा कहना है कि कंस्ट्रक्शन डिले जो हो गई है कोरोना की वजह से, शायद बाकी सब चीजें सब ठीक है, सब कुछ सही है जितना अभी तक का हमने चार्ज देखा है, और कंस्ट्रक्शन डिले हुआ है वो उसका सभी को पता है कोरोना की वजह से कंस्ट्रक्शन डिले हुआ है, अदरवाइज मेरे ख्याल में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से हमारा हॉस्पिटल या हमारी सर्विसेज में कोई रुकावट आएगी। बीच में मीनिंग ओपीडी चलता और उसके बाद से फिर सर्जरी भी चला, फिर मीनिंग सर्जरी करके, लेकिन सर्जरी की पूरी तरह से व्यवस्था कब तक संचालित है?
सर्जरी की पूरी व्यवस्था, जैसे आपको मैंने बोला, देखिए सर्जरी विभाग जो है वो बिना ऑपरेशन थिएटर के नहीं चलेगा। जब तक आपकी बिल्डिंग नहीं रेडी होके मिलती है हमको कंस्ट्रक्शन के बाद, जो आईपीडी है, तब तक आप ओपीडी सर्विसेज भी नहीं शुरू करते। जब पेशेंट एडमिट होगा तब हम उसका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने के लिए ओटी का प्रिपरेशन होना ज़रूरी है। तो अभी जब तक कंस्ट्रक्शन वाले हमें वो बिल्डिंग नहीं हैंडओवर कर सकते, तब तक हम ओटी और ये नहीं शुरू कर पाएंगे। धन्यवाद।